आप सभी का स्वागत जिंदगी में। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हुआ। बीते दिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान हो चुका है। इस चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। उन्नाव भाजपा सांसद डॉक्टर साक्षी महाराज ने मतदान किया। जनपद उन्नाव विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 शाम 6 बजे तक बीते दिन मतदान का प्रतिशत हम आपको बताते हैं। विधानसभा सदर 61.95%, विधानसभा पूर्वा 62.85%, विधानसभा भगवंत नगर 59.18%, विधानसभा बांगरमऊ 63.18%, विधानसभा मोहान 63.95%, विधानसभा सफीपुर 60.16%। कुल 6 बजे तक का ये मतदान 64.45% रहा। स्वागत जिंदगी के लिए शिवशंकर प्रजापति की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एवं देश दुनिया की बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा न्यूज अपडेट पाने के लिए बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। क्या नाम है आपका? शिवशंकर लोधी। आज आपने वोट दिया है, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को लेकर वोट दिया है? विकास का मुद्दा है, मतलब जो उन्नाव का विकास करे हम उसके साथ हैं। क्या लगता है आप, अभी तक जो सरकार थी उसने विकास नहीं किया? नहीं, सरकार ने तो कार्य किए हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं उनका जो सिस्टम है वो थोड़ा जो नया सरकारी सरकार की सरकार ने शायद कार्य अच्छे किए हैं। सरकार के साथ सद्भावनाएँ हैं। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई के बारे में, महंगाई तो जनरेशन के हिसाब से जब आवश्यकताएँ बढ़ती हैं और जो है यूजर ज़्यादा होते हैं तो महंगाई ऑटोमेटिक कहीं भी हो सकती है। जब माल कम आएगा और यूज ज़्यादा होगा किसी क्षेत्र में तो जो है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी टक्कर हो रही है? टक्कर सपा और भाजपा की है, और अंततः सरकार जो है बीजेपी ही बनाएगी। जमात का बीजेपी ही।